बाबा बालकनाथ जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, आपको तिजारा से चुनाव लड़ा रही है, आप सांसद भी अलवर के, क्या लगता है कि पिछली बार जो अलवर में केवल 2 सीटें आई थी वो आंकड़ा बढ़ेगा आपके नेतृत्व में? बिल्कुल, इस बार अलवर जिले की 11 सीटें, हमारी लोकसभा की 8 सीटें हैं और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। राजस्थान का योगी आपको कहा जा रहा है, जिस तरह से आक्रामक तेवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के हैं उसी तरह से आक्रामक तेवर आपके माने जाते हैं, क्या राजस्थान में वो नेतृत्व देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा काम है सेवा करना, हमारी कर्म भूमि पर, हमारे स्थान पर जो पार्टी ने आदेश दिया है हम वहाँ पर सेवा करने का अपना भाव रहता है। और बाकी पार्टी, हम तो पार्टी के मार्गदर्शन पर चलने वाले हैं क्योंकि गुरु आज्ञा और पार्टी आज्ञा, ये दो ही हमारे जीवन का धर्म है। क्योंकि पार्टी आज्ञा देगी तो नेतृत्व करने के लिए बाबा बालकनाथ तैयार हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आप इस विषय को, अभी चुनाव का विषय है और अभी आज वोटिंग का है, आप सब लोग मिलकर अच्छे से उत्सव के रूप में भारत लोग वोटिंग करें और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। कांग्रेस आप पर बड़े आरोप लगा रही है कि जो कनाडा पैसा भेजा जा रहा है, आश्रम खोला जा रहा है, कहीं बौखला गई है कि आपकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है उस वजह से कि आप ही को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत जो जिसने भी कहा है, मुझे इतना नाम भी ध्यान नहीं उसका, और मैं तो उसको ये कहना चाहता हूँ कि वो कृपा करके मुझे उस जमीन के कागजात या कुछ ना कुछ स्थान बताए कि ताकि वो जमीन पर जाकर मैं अपना कब्जा लूँ और उस जमीन को कुछ देश के नाम समर्पित करूं। अगर उन्होंने खरीद के रखी है, किसने खरीद के रखी, कम से कम बताएं तो सर कहाँ है वो जमीन, हम तो खुद ढूंढने को उत्सुक हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद कर रही है, आपको मैदान में उतार दिया पूरा मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर, एक हिंदू मुस्लिम करना चाहती है बीजेपी? अरे ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, और जिस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति को राजस्थान में बढ़ावा दिया गया, एक संप्रदाय विशेष के लोगों को जिस प्रकार से सरकार की सुविधाएं मुहैया करवाई गई और सनातन अपने हिंदू धर्म के लोगों पर समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए यात्राओं पर अन्यथा, तो ये सब चीजें दिख रही हैं राजस्थान में, सब उसी के कारण। हमने कोई हिंदू मुस्लिम का, हमारी प्राथमिकता है विकास, हमारी प्राथमिकता है अच्छा सुशासन, हमारी प्राथमिकता है कानून का राज राजस्थान में हो। इनके मुस्लिम तुष्टिकरण किया है कांग्रेस ने, इस पर स्पष्ट है, ये तो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट के, उनके बयान है, उन्होंने जिस प्रकार से हमारी हनुमान जयंती पर, नवरात्रों पर जिस प्रकार से एक धारा 144 के नाम पर प्रतिबंध लगाए, तो स्पष्ट है। एक अंतिम सवाल बाबा जी, क्या आपको लगता है कि अगर राजस्थान का नेतृत्व एक संत करेगा तो ज्यादा विकास होगा, या गृहस्थ नेता को पिछली बार की तरह देंगे तो डामाडोल स्थिति रहेगी? ऐसा कुछ नहीं है, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा संगठन और पूरी पार्टी चलती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ही पूरी पार्टी काम करती है, उनके उद्देश्य पर ही पूरी पार्टी। उनका दिशा निर्देश आपके लिए हुआ तो? भैया, हम तो अपने स्थान पर सेवा कर रहे हैं, हमारी कर्म भूमि हमारा स्थान है, हमारी पाठ पूजा वही है और उसी की सेवा करते हुए अपना भगवान का आशीर्वाद रहे कि जनता की सेवा में सफल हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बाबा बालकनाथ जो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है और जो राजस्थान का योगी उनको कहा जाता है उस बारे में जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा, क्योंकि राजस्थान उनकी कर्म भूमि है, वो उसी दिशा में आगे काम करेंगे। जी।